ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन के अंतर्गत सुनिए भारत में पर्यटन के समग्र विकास पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। भारत हमेशा से ही दुनिया के लिए पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण रहा है। इसका कारण भी स्वाभाविक है कि भारत एक विविधतापूर्ण संस्कृति को प्रस्तुत करता है। यहाँ की प्राचीन विरासत और इतिहास की झलक पर्यटकों को खींच लाती है। भारत में पर्यटन के इन्हीं अपार अवसरों को देखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बीते वर्षों में कई अहम कदम उठाए हैं। आज का दिन पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सरकार के इन कार्यक्रमों पर चर्चा और मंथन करने के लिए मुफीद है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस। भारत में पर्यटन को और मजबूत करने की दिशा में जो कार्यक्रम और योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उस पर आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पर्यटन सचिव अरविंद सिंह के साथ। सर, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा हमारे पास है। हम जानना चाहेंगे कि इस पर्यटन नीति के जरिए सरकार भारत को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए किस अप्रोच के साथ काम कर रही है। नई पर्यटन नीति पर विचार विमर्श पिछले कई वर्षों से हो रहा है। भारत की पिछली पर्यटन नीति करीब 20 वर्ष पूर्व प्रकाशित की गई थी और निश्चित उसमें सुधार की जरूरत है। आज के परिवेश में सभी स्टेक होल्डर से, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से, राज्य सरकारों से, विभिन्न सभी स्तर पर लोगों से हमने एक मसौदा अपने वेबसाइट पर रखा था, लोगों से विचार विमर्श किए और अब हम करीब करीब अंतिम मसौदे पे पहुंच गए, जिसमें प्रमुख रूप से 5 चीजों पर हम ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं। एक तो ग्रीन टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, यानी सतत पर्यटन, और रिस्पॉन्सिबल यानी जिसमें ज्यादा जवाबदारी हो पर्यटकों की और पर्यटक क्षेत्र से जुड़े सब लोगों की। तो सबसे पहले तो एक ग्रीन टूरिज्म पे महत्व है। दूसरा, पर्यटन क्षेत्र में नए डिजिटल टेक्निक्स का कैसे प्रसार किया जाए, कैसे उसका समावेश किया जाए, इससे हम लक्ष्य देना चाहते हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे और मध्यम उद्योग जो है जुड़े हुए हैं, उनको क्या सुविधाएं देनी होंगी जिससे वो अधिक सशक्त हो सके और पर्यटन इस क्षेत्र में अपने जो उनका काम है वो अधिक प्रभावी हो सके। अगर पर्यटन क्षेत्र में विकास करना है तो साथ ही हमें मनुष्य बल की भी तैयारी करनी होगी। उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हमें करना होगा, उसके लिए क्या क्या नई नीतियां, नए हमें पायाभूत सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करनी होगी। और साथ ही साथ एक अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र जो है, प्राइवेट सेक्टर, उसकी बहुत अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश की भी बहुत अहम भूमिका है। तो ज्यादा से ज्यादा हम निवेश खासकर निजी क्षेत्र से कैसे इस क्षेत्र में ला सके, उसके लिए क्या नीतियों में सुधार करने की जरूरत है, इस पे भी पॉलिसी के अंतर्गत ध्यान दिया गया। तो यही 5 प्रमुख बिंदु हैं इस नई नीति के, जिसको लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय पर्वत के अंचलों और जनजातीय क्षेत्रों के पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर सरकार का बल है। कैसे पर्यटन को मिल रहे प्रोत्साहन से इन राज्यों और इन क्षेत्रों का विकास हो रहा है? पर्वतीय क्षेत्रों में तो पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटक जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटक जा रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं। इसमें बढ़ावा देने के लिए एक जो बहुत अच्छी नीति कई राज्यों ने लाई है और केंद्र सरकार भी उसको बढ़ावा दे रहा है, वो है होम स्टे की। ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में घर के मालिक है, वो अपने घरों में होम स्टे खोल रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी वहां जाके आसानी से रह सके, उचित दरों पे रह सके, अच्छी उन्हें सुविधा रहने की प्राप्त हो। इससे रहने की सुविधा जो है उसमें काफी वृद्धि हो रही है, स्थानिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और जिसे हम सतत सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक नई दिशा देखी है कई तरह के सीमित और पर्वतीय राज्यों में। होम स्टे के बढ़ावा से निश्चित पर्यटक को एक बढ़ावा मिल रहा है। 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना को मंजूरी दी थी और हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। किस तरह से ये योजना देश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है? पहले चरण में करीब सभी राज्यों में, 21 राज्यों में 76 प्रकल्प मंजूर किए गए। उन 76 प्रकल्प में आज 50 से अधिक प्रकल्प पूर्ण हो गए हैं और मुझे आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो बाकी प्रकल्प है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकल्प के अंदर बड़ी भारी संख्या में पर्यटन की दृष्टि से स्थानिक पर्यटक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हुई है। कहीं लॉग हट्स बने हैं, कहीं कैफेटेरियाज बनी हैं, पर्यटक सूचना केंद्र बने हैं, कई सर्किटों का विकास हुआ है कई राज्यों में। उदाहरण, कहीं रामायण सर्किट पे काम हुआ है, कहीं बुद्धिस्ट सर्किट पे काम हुआ है, कहीं वाइल्ड लाइफ सर्किट पे काम हुआ है, तो कहीं स्पिरिचुअल सर्किट जो है, जो धर्म से जुड़े हुए सर्किट है उन पे काम हुआ है, कहीं समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी सर्किट पे काम हुआ है। तो काफी अच्छे प्रमाण पर हमने देखा है कि मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पर्यटक
पर्यटक स्थलों में विभिन्न राज्यों में तैयार हुआ है। स्वदेश दर्शन का दूसरा चरण जो अभी जिसे मंजूरी प्राप्त हुई है, उसमें हम अब सर्किट्स की बजाय डेस्टिनेशन बेस्ड यानी जो पर्यटक स्थल है उनका समग्र विकास करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए हमने राज्यों को सूचना दी है और विभिन्न राज्यों में हम 50 से अधिक ऐसे स्थलों पर मास्टर प्लान तैयार करके उन पर्यटक क्षेत्रों का समग्र विकास करने हेतु जो पायाभूत सुविधा है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो के लिए जो निधि की आवश्यकता है वो हम राज्यों को प्राप्त कर देंगे। आपने घरेलू पर्यटन का जिक्र किया था, तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने में यातायात का बड़ा योगदान है। हम देख रहे हैं कि चाहे वो रेल मंत्रालय हो, उसमें वंदे भारत रेलगाड़ियों का चलाया जाना हो, व्यापक स्तर पर हवाई अड्डों का निर्माण हो और सड़क यातायात को भी और दुरुस्त करना हो, तो किस तरह से पर्यटन मंत्रालय इन सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर यातायात पर प्रोत्साहन दे रहा है जिससे कि घरेलू पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके? हम सभी मंत्रालयों से मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरण पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए रास्तों का जो काम है, हाईवे का निर्माण है, उसमें हम सड़क मंत्रालय के साथ मिलकर काम करते हैं और जहां प्राथमिकता देनी है, जिस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है उसमें हम साथ काम करते हैं। साथ ही अगर नागर विमानन की चर्चा की जाए, सिविल एविएशन की, तो उड़ान इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय भी कई पर्यटक के रूप से हम प्रयत्न करते हैं कि कीमतें कमी हो तो हम उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसकी सुविधा प्राप्त कर देते हैं और नए पर्यटक क्षेत्रों को जोड़ा जाए उसके लिए नए एयरपोर्ट्स का कहां विकास हो, नए फ्लाई एयर रूट्स का कहां विकास हो, इस पर हम साथ ही साथ काम करते हैं। और वैसे ही रेल मंत्रालय के साथ नए स्थलों पे, नए सर्किट्स पे ट्रेन चलाने के लिए और उदाहरण के तौर पर कई क्षेत्रों में विस्टाडोम ट्रेन्स जो नए शुरू हुए हैं जो काफी आकर्षित कर रहे हैं पर्यटकों को, उसके लिए भी हम साझा रूप से रेल मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर, उसको पर्यटन के प्रोत्साहन से लाभ हो इस पर सरकार का जोर है और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें इस बात पर भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो कैसे एमएसएमई सेक्टर को और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने की दिशा में आने वाले समय में मजबूत होते पर्यटन से लाभ पहुंचने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? उदाहरण मैंने जैसे होम स्टेज का दिया, उसमें विकास करेंगे तो निश्चित ही स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धि होगी और पर्यटन में जो अगर मूलभूत सुविधा जिसकी जो सब कार्यक्रम है या कनेक्टिविटी की जो बात आपने कही, रेल द्वारा, नागर विमानन, एयरपोर्ट्स द्वारा, हवाई यात्रा द्वारा या रस्तों के विकास से, तो इस सबसे जो पर्यटन क्षेत्र जुड़ जाते हैं तो निश्चित पर्यटकों का आना जाना सुगम हो जाता है और उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और वहां स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है। जहां तक एमएसएमई की बात है, उनकी समस्याएं जो है क्रेडिट के संबंध में या उनके वर्किंग कैपिटल की जो जरूरत तो है उसके संबंध में या उन्हें जो निवेश करना हो उसके साथ जो उनके लिए उन्हें क्रेडिट लेना पड़ता है बैंकों से के संबंध में, उनके दैनंदिन खर्च को कैसे, जो यूटिलिटीज के खर्च होते हैं, उदाहरण बिजली का खर्च हो, पानी का खर्च हो, जमीन का खर्च हो, इन सब पे चर्चा करके राज्यों के साथ हमें नीतियां तैयार करनी होगी जिससे उनके काम करने का जो वातावरण है वो पोषक हो और उन्हें मदद मिल सके। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, इस तरह से देश के जो प्राचीन आध्यात्मिक स्थल हैं उनके पुनरुद्धार पर सरकार का फोकस है और इनके पुनरुद्धार से निश्चित रूप से देश में आस्था के साथ साथ पर्यटन को भी एक नया रूप मिल रहा है, तो कैसे इस मामले में प्रगति हो रही है? जैसे आपने खुद काशी का नाम लिया और भी स्थलों पर जैसे केदारनाथ हो, सोमनाथ हो, इन सब स्थलों पर हमारी जो प्राचीन तीर्थ स्थल है उनका विकास हुआ है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना है जिसमें हम कई स्थलों ऐसे, हमने करीब 40 प्रकल्प तीर्थ स्थलों पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो सुविधा नई अधिक निर्माण करने की जरूरत है क्योंकि वहां ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, परंतु उनके लिए जो सुविधा चाहिए, उदाहरण उनके लिए विश्राम करने का जगह, उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर जिसे उन्हें विस्तृत जानकारी मिल सके, कई जगह तो क्यूइंग की व्यवस्था उचित नहीं है, लंबी कतारें रहती हैं और काफी परेशानी उन्हें होती है, शौचालय की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों को चाहिए उसके लिए हम राज्यों को मदद कर रहे हैं। 40 प्रकल्प ऐसे मंजूर हुए हैं और उसमें करीब करीब अधिकांश प्रकल्प पूर्ण हो गए हैं और कई अच्छे तीर्थ स्थलों पर नई पर्यटन सुविधाओं का निर्माण हुआ है। मंत्रालय द्वारा समय समय पर पर्यटन को लेकर कई कार्यक्रमों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाल ही में आयोजित हुआ ये सम्मेलन किस तरह महत्वपूर्ण था और इस सम्मेलन से क्या क्या निष्कर्ष निकले।
इस पर्यटन को आयोजित करने के पीछे हमारे तीन प्रमुख उद्देश्य थे। सबसे पहले तो कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में सभी राज्यों के साथ मंत्रालय स्तर पर एक बैठक नहीं हो पाई थी, हमेशा ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही चर्चा कर रहे थे। सब राज्यों के साथ मिलजुल कर साझा कार्यक्रम, जो पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह हम बढ़ावा देना चाहते हैं और उसमें राज्यों से क्या सहयोग अपेक्षित है, ये एक उनसे वार्तालाप करने की आवश्यकता थी। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ऐसी समक्ष बैठक दो वर्षों के बाद ही हो रही थी। दूसरा उद्देश्य यह था कि राज्य पिछले दो वर्षों में उनका एक दूसरे से भी संवाद कम हुआ था। कुछ राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं पर्यटन से संबंधित, जो नई उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, नए प्रकल्प किए हैं, नए विचार जो है, उन विचारों का आदान प्रदान हो, राज्यों में एक हेल्दी स्पर्धा एक तैयार हो, ताकि अगर किसी राज्य ने अच्छा किया है तो हम वैसा ही काम अपने राज्य में ही करना चाहें। इससे राज्यों को समक्ष रखा गया, राज्यों ने प्रस्तुतीकरण किया उनके यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे। और तीसरा उद्देश्य यह था कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिल रही है दिसंबर 2022 में, और अगले जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक देश में 55 स्थलों पर बैठकें होंगी, जिसमें G20 देशों के अधिकारी, वहां सिविल सोसाइटी के सदस्य, राजनेता, मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस प्रेसिडेंसी का उपयोग भारत की जो कल्चरल और नेचुरल जो हेरिटेज है उसको G20 देशों के समक्ष रखने के लिए राज्यों की भूमिका बहुत अहम होगी, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी देना ये उद्देश्य था। तो ये तीन उद्देश्य प्रमुख है और हम उस पर विस्तृत चर्चा कर पाए। कोविड काल में पर्यटन पर पड़े प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने इस दौरान कई कदम उठाए हैं और इस सम्मेलन में भी इस बात पर चर्चा हुई। तो ये लक्ष्य है कि 2024 तक पर्यटन अपने पूरे शिखर पर वापस आ जाए, जिसको लेकर सरकार के जो कदम हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे उनकी आवाजाही में बंदी थी, हम लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट वीजा को बंद कर दिया गया था, तो विदेशी पर्यटक तो भारत में नहीं आ रहे, परंतु घरेलू पर्यटकों की संख्या में हमने काफी वृद्धि महत्वपूर्ण स्थलों पर और कई राज्यों में देखा है, और घरेलू पर्यटन की संभावना वैक्सीनेशन के कारण भी बढ़ी, तो भारतवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा कि अगर हम सफर करेंगे, कहीं दूसरे जगह पर जाएंगे तो हमें इस महामारी से दूर रहेंगे या उन पर इस बीमारी का प्रकोप नहीं रहेगा। घरेलू जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में तो वृद्धि हो ही रही, बट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी भारत की ओर फिर से आकर्षित करना होगा। महामारी के पूर्व जो संख्या थी उसको लाने के लिए हमें व्यापक रूप से कार्यक्रम करने होंगे। इस प्रकार से हमें विभिन्न देशों में प्रचार के कार्यक्रम करने होंगे, भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन के कार्यक्रम करने होंगे, इसमें भी बैठक में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में एक सत्र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और पर्यटन को जोड़कर रखा गया था, तो भारत के प्राचीन ज्ञान को सरकार किस तरह से पर्यटन का एक अहम भाग बनाने पर जोर दे रही है। भारत में चिकित्सा के लिए पर्यटक काफी व्यापक संख्या में विभिन्न देशों से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति काफी विकसित है और पश्चिम के देशों की तुलना में उसमें खर्च काफी कमी लगता है, लागत कमी, परंतु हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसके प्रति आकर्षण विदेशों में नहीं है, तो उस पद्धति की जो सुविधाएं हैं उनको विकास करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा उस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने के लिए विदेशी पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया जाए, इसमें भी चर्चा हुई और राज्यों से विचार विमर्श किया गया कि क्या इसके लिए मूलभूत सुविधा जिसे हम कहते हैं वो तैयार करने की जरूरत है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करने की जरूरत है अन्य देशों में, इस पर चर्चा हुई। भारत में डिजिटल और तकनीक को पर्यटन में शामिल करने और इससे पर्यटन को और मजबूत बनाने की दिशा में भी एक विशेष थीम पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई है, तो इस बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें। खासकर कोरोना की महामारी के दौरान हम सब ने देखा कि डिजिटल माध्यम से एक संवाद इस स्वरूप ने काफी जोर पकड़ा है और इससे काफी वृद्धि हुई है। खासकर सोशल मीडिया का उपयोग पर्यटन के प्रसार में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये भी हमने देखा है। तो सभी राज्यों का सोशल मीडिया का उपयोग कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनके वेबसाइट्स अच्छे प्रकार से विकसित हो, और साथ ही साथ विदेशों में जो हमारे दूतावास में अधिकारी हैं वो भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, तो उनसे भी चर्चा की गई कि डिजिटल माध्यम का उपयोग करके कैसे हम भारत के बारे में जानकारी विदेशों तक पहुंचा सके, उसके लिए अधिक उपाय करने की जरूरत है, इस पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में पर्यटन के समग्र विकास पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया
आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।